हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमृता किचन में। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड टिक्की। ब्रेड टिक्की बनाने के लिए मैंने ब्रेड लिया है और उसको तोड़ के भिगो के रख दिया है। 5 मिनट पहले मैंने इसको भिगो के रख दिया था। अब मैं इसका पानी निकाल दूंगी और देखिए, आप देख सकते हैं इस तरह का ब्रेड है। और मैंने 1 कटोरी पोहा रख दिए थे भिगो के, और मैं इसको भी पानी को निकाल के और इसमें ऐड कर दूंगी जो हमारे ब्रेड्स हैं उनमें। अब मैं क्या करूंगी, मैंने एक बड़ी सी प्याज काट के रखी थी वो भी ऐड कर दूंगी, और 5-6 हरी मिर्ची काटी थी वो भी मैं इसी में डाल दूंगी, और मैं थोड़ी सी इसमें अजवाइन डाल दूंगी जिससे कि बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर दोनों आते हैं, और स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी। तो चलिए, अब कुछ मसाले ऐड करेंगे जिसमें कि मैं 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच मिर्ची पाउडर डाल दूंगी। अगर आपको कम तीखा पसंद है तो आप कम भी डाल सकते हैं। अब मैं आलू लूंगी 2, और उन आलूओं को अच्छे से पीस के कद्दूकस करके और उसी में ऐड कर देंगे जो हमारी पोहा और ब्रेड है। और इनको अच्छे से हाथों से मिक्स करना है, और हाथों से ही मिक्स करना है क्योंकि अब चम्मच वगैरह से करेंगे तो इतने अच्छे से नहीं होते हैं। अब मैं इसमें क्या करूँगी, 1 चम्मच बड़ा वाला भर के बेसन डाल दूँगी क्योंकि बेसन से बहुत ही अच्छे से ये बन जाते हैं। बेसन नहीं डालेंगे तो ये बिखर जाएंगे, तो इसीलिए इसमें बेसन, आप चाहो तो आरारोट भी डाल सकते हो, चावल का आटा भी डाल सकते हो। तो चलिए, हम इस तरह की टिक्की बना बना के सेक देंगे। आप देख सकते हैं इस तरह की टिक्की बनानी है, और इसे बहुत ही सावधानी पूर्वक डालना है, वरना इसमें तेल क्या है बाहर आता है तो हमारे हाथ जलने का डर रहता है, इसलिए अच्छे से डालना है। तो चलिए, हमारी जो टिक्कियाँ थी वो एक तरफ से सिक गई हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से। तो हम अलट पलट के इनको अच्छे से दोनों तरफ से सेक के और बाहर निकाल देंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है हमारी टिक्कियों का। और आप चाहो तो इसको दूसरा शेप भी दे सकते हो। देखिए, मैंने इस तरह से इसको दूसरा शेप दिया है, तो आपकी मर्जी, जैसा आपको शेप देना हो वैसा शेप दे के और इनको बढ़िया से अच्छे से फ्राई कर लीजिए। तो देखिए, मेरी टिक्की एकदम बढ़िया तैयार है। आप देख सकते हैं अंदर से भी ये कितने अच्छे से सिक गई हैं। तो एक बार ज़रूर बना कर देखिए।